मिलिट्री। इस सेंसिटिव केस को मैं हैंडल कर रही हूँ चंद्रू, मैं उस कमीने को बहुत जल्द पकड़ लूंगी। मैंने उसे उकसा दिया है। द गेम बिगिंस। फाइटर। जंग शुरू हो चुकी है। 19 फरवरी को यानी आज से पूरे 3 दिनों के बाद पोगारू और सकरा एक ही दिन रिलीज होंगे। दोनों मूवी के लिए जितने भी दिन करीब आने लगे हैं, एक्साइटमेंट ऑडियंस के दिल में उतना ही बढ़ने लगे हैं। और आपको बता दूं, एक तरफ विशाल के फैंस वही दूसरी तरफ ध्रुवा शर्मा के फैंस के बीच जंग छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पे। विशाल के फैंस का कहना है सकरा मूवी पैन इंडिया मूवी है, ऑब्वियसली 5 भाषाओं के साथ ही रिलीज होंगे और 5 भाषाओं के साथ ही बिजनेस करेगी और कलेक्शन के मामले में भी पोगारू मूवी जीत नहीं पाएगी। वही प्रिंस ध्रुवा शर्मा के फैंस का कहना है पोगारू मूवी 3 भाषाओं के साथ रिलीज होगी, जो कि काफी है नंबर 1 में रहने के लिए। और ये बात भी काफी हद तक सही है, जहाँ पे एक तरफ विशाल की मूवी सकरा पूरे 5 भाषाओं के साथ रिलीज होगी। तमिल मूवी है, तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी रिलीज होगी। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है सकरा मूवी कर्नाटक में भी रिलीज होंगे। वही पोगारू मूवी पूरे 3 भाषाओं के साथ रिलीज होंगे। कन्नड़ा मूवी है, तमिल और तेलुगु पे भी रिलीज होगी। तो यानी पोगारू मूवी भी तमिलनाडु पे भी रिलीज होगी। तो बहुत ही मजेदार स्टोरी चुके हैं दोस्तों। दोनों मूवी की जो एक्शन है वो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एक्शन दिखाए हैं, पावरफुल एक्शन है। और यहाँ पे अगर बात की रहे चक्रा मूवी के बारे में, तो दोस्तों चक्रा जो कि साइबर हैकिंग क्राइम बेस्ड मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें स्टार कास्ट पे देखने को मिलेंगे विशाल कृष्णा, रजीना कसंद्रा, शारदा श्रीनाथ, मना भोला और सृष्टि दांगे को, हालांकि और भी बहुत सारे कलाकार इस मूवी में जुड़े गए हैं। सकरा पैन इंडिया मूवी बन चुके हैं, हिंदी में भी रिलीज होगी 19 फरवरी को ही। इस मूवी को अनंदन MS जी ने डायरेक्शन दी है और विशाल जी खुद इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और यवन शंकर राजा की म्यूजिक सुनने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर भरपूर पैसा खर्चा किया गया है, स्पेशली दोस्तों इस मूवी के एक्शन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैसा खर्चे हुए हैं। वही दोस्तों ध्रुवा शर्मा स्टारर पोगारू दूसरी तरफ कन्नड़ा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री के मास एक्शन मूवी है, जिसको नंदा किशोर जी ने डायरेक्शन दिया है। ये मूवी भी यानी पोगारू मूवी भी पूरे पैन इंडिया मूवी से कम नहीं है, पूरे 3 भाषाओं के साथ रिलीज होगी। कन्नड़ा मूवी है और कन्नड़ा के साथ साथ इस मूवी को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी 19 फरवरी को ही। इस मूवी ने यानी पोगारू मूवी का जो क्रेज है बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली दोस्तों इस मूवी का जो एक्शन है सबका दिल जीत लिया है। बताना चाहूंगा दोस्तों इस मूवी के 2 गाने रिलीज हुई, एक तो बहुत दिन पहले ही इस मूवी के एक सॉन्ग रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था कराबू। बताना चाहूंगा वो सॉन्ग इतने पसंद किए हैं ऑडियंस ने, पूरे 200 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, यानी उस सॉन्ग को देखा है। और कल एक बार फिर से पोगारू मूवी के टाइटल सॉन्ग को रिलीज किया गया है, जो कि दोस्तों काफी मजेदार सॉन्ग है, मास एक्शन सॉन्ग है, जो कि दोस्तों ऑडियंस भी फिर से टूट पड़े हैं उस पर और व्यूज भी बहुत ही ज्यादा तरीके से होने लगे हैं। और इस मूवी के अंदर यानी पोगारू मूवी के अंदर म्यूजिक तो सुनने को मिलेंगे चंदन शेट्टी की, जो कि दोस्तों म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले BGM सुनने को मिलेंगे। और बताना चाहूंगा इस मूवी के अंदर हमें स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा, ध्रुवा शर्मा तो है ही, साथ ही साथ रश्मिका मंदाना, धनंजय, रवि शंकर, सिकंदर कुरी, प्रताप, मर्गन आस्टे और काय ग्रीन जी को इस मूवी के अंदर स्टार कास्ट में हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक तरफ कन्नड़ा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री के पावरफुल एक्शन धमाका जिसका टाइटल है पोगारू, वही दोस्तों दूसरी तरफ तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के विशाल स्टारर साइबर हैकिंग वाली एक्शन पावरफुल जिसका टाइटल है सकरा 19 फरवरी को रिलीज होगी।
ये दोनों मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, या दोनों मूवी अगर एक ही साथ रिलीज होगी तो आप कौन सी मूवी देखोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।